हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग, आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो इन्फ्लुएंस के ऊपर करना चाहती हूँ। बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं आर्टिस्ट हैं और आर्ट में डील कर रहे हैं, आर्ट में काम कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इन्फ्लुएंस होइए, क्योंकि इन्फ्लुएंस होना बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर किसी की आइडिया को, किसी के वर्क को अगर आप अपने काम में अपनाते हैं या उसका रेफरेंस लेके आप काम करते हैं या किसी के सब्जेक्ट को अपने वर्क में उतारते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है, आप उसके काम से इंस्पायर होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके काम में और आपकी सक्सेस में ये कहीं ना कहीं ब्रेक भी लगाता है। तो इन्फ्लुएंस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें आप अपना भी स्टाइल क्रिएट कीजिए। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी एक ग्रेट मास्टर के काम को आप कॉपी कर रहे हैं या उसको लगातार आप उस काम को बना रहे हैं तो उस काम में आपकी पहचान छुप जाती है, आपका अपना स्टाइल छुप जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप उनके काम को कीजिए, क्योंकि अब अलग अलग वेरिएशन में काम करना ज़रूरी है और ग्रेट मास्टर्स के काम को कॉपी करके भी बनाना बहुत अच्छी बात है। इससे आपको बहुत सारे नई टेक्निक्स का पता चलता है। इसके साथ ही आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कीजिए अपने काम में, अपने पेंटिंग में, अपने स्कल्पचर्स में। आप अपना स्टाइल क्रिएट कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी डालिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। आप अंदर से आप जो आप काम कर रहे हैं आप उस सब्जेक्ट पे रिसर्च कीजिए, उस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कीजिए और उसके बाद उसको उस काम पे अपने तरीके को आप लेके आइए। तो इससे आपकी पेंटिंग तो बेहतरीन बनेगी ही और साथ ही इन्फ्लुएंस जो आप अपने अंदर लाए हैं किसी ग्रेट मास्टर्स का या किसी से भी आप इंस्पायर हैं, उसकी झलक तो देखिए होती है आपके काम में, लेकिन आपके स्टाइल से आपका काम भी बेहतर होगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। टेक केयर। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हों या आपको इससे कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस बारे में क्वेश्चंस आपके जो हों आर्ट से रिलेटेड, तो आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आर्ट से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इसका जवाब ज़रूर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।